हमारे चैनल द स्पीडी स्टडी में एक बार फिर से स्वागत है। कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 3 तक पढ़ा था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ध्यान से अगर देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्या कह रहा है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, फाइंड द नंबर्स। बोल रहा है कि अगर दो नंबर्स का सम 95 है तो अगर पहला दूसरे से 15 ज्यादा है तो हमें वो नंबर बताना है। सबसे पहले हम राइट क्या करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। क्या राइट करेंगे, सॉल्यूशन राइट करेंगे। और बहुत इजी तरीके से ध्यान से सुनिए, मैं कुछ बता रही हूँ। आप मान लीजिए मार्केट गए, बाजार गए, कुछ सामान खरीदने के लिए गए, ठीक है। एक दुकान पे गए आप लोग, उस शॉप पर जब गए तो आपने दो सामान खरीदा और शॉपकीपर ने आपको बताया कि ये सामान 95 रुपए का है, यानी 95 रुपए का है, ठीक है। आपने शॉपकीपर से पूछा कि ये बताइए कि आप मुझे इन दोनों का रेट अलग अलग बता दीजिए, तो शॉपकीपर ने डायरेक्टली रेट नहीं बताया बल्कि ये कह दिया कि ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये सेकेंड वाले से 15 क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। पहला वाला दूसरे वाले से क्या है, 15 अधिक है, ऐसा बोल दिया उसने। तो क्या हम ये नहीं कह सकते, मान लीजिए अगर इसका रेट यक्स रुपए है तो इसका रेट कितना होगा, 15 जोड़ लीजिए इसमें तो यक्स प्लस 15 हो गया। मतलब अगर ये यक्स रुपए की पेन है तो ये कितने की है, यक्स प्लस 15 की है, ठीक है। तो सेम ऐसे हमें लिखना भी है, ठीक है, लेट करना है। तो लेट करते हैं क्या, लेट फर्स्ट नंबर इक्वल यक्स, मींस माना पहली संख्या बराबर यक्स। अब क्या लिखेंगे, एंड सेकेंड नंबर इक्वल यक्स। और मैंने क्या कहा था कि पहला वाला, यानी अगर ये यक्स का है, दूसरा वाला कितने का होगा, यक्स प्लस 15 का होगा, तो ये यक्स रुपए का हो गया, और प्लस कर दीजिए 15 कर दीजिए उसमें, तो ये दूसरा वाला निकल जाएगा, ठीक है। सेकेंड नंबर कौन सा होगा, अगर उसी पहले वाले नंबर में क्या कर दिया जाए, 15 ऐड कर दिया जाए, क्या हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर। तो क्या लिखेंगे, और दूसरी संख्या बराबर यक्स प्लस 15। अब क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्या राइट करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको बोलते हैं प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है कि सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, यानी दो संख्याओं का योग 95 है। दो संख्या कौन सी है, एक ये पहली संख्या हो गई और ये दूसरी संख्या हो गई, और इन दोनों का एडिशन कितना है, 95। मींस यक्स प्लस 15 बराबर कितने के हो जाएगा, 95, मतलब 95 रुपए के। अगर आप इसको प्लस इसको कर ले तो कितने रुपए के इक्वल हो जाएगा, कितने के हो जाएगा, 95 के इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, यहाँ पर कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, और हम देख रहे हैं पावर यहाँ पर भी 1, पावर यहाँ पर भी 1, यानी सेम वेरिएबल है। तो क्या हो जाएगा, 112 यक्स प्लस 15 इक्वल 95, मींस 2 यक्स इक्वल 95, ये प्लस 15 उधर जाएगा तो माइनस 15 हो जाएगा, मींस 2 यक्स इक्वल 5। अब देखिए 95 रुपए थे या 95 थे, 15 माइनस करना है हमें, तो 5 में से 5 गए 0, अब 9 थे, 9 में से 1 माइनस करिए कितना आएगा, 8, तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 80 हो गया, मींस यस यस इक्वल इक्वल 80। अब ये बताइए 2 और यस के बीच में कौन सा साइन है, 2 और यस के बीच में कौन सा साइन है, अगर कहीं पर भी देखिए अगर कोई साइन नहीं दिख रही, मींस किसकी है बीच में, मल्टीप्लिकेशन की साइन है। तो अगर कोई भी नंबर इधर मल्टीप्लाई में होगा उधर जाएगा किस में जाएगा, डिवाइड में। तो 80 को 2 से डिवाइड करिए तो 2, अब या काट लीजिए, ध्यान से देखिए 80 है, 80 अपॉन 2 कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 0, यानी ये हो जाएगा x इक्वल 40, है ना। क्या लिखेंगे,
फर्स्ट नंबर हियर, फर्स्ट नंबर इक्वल यस, यस इक्वल कितना फाइंड आउट किया हम लोगों ने, 40 फाइंड आउट किया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, एंड फर्स्ट नंबर मतलब क्या होता है, पहली संख्या, तो पहली संख्या बराबर यस बराबर 40, क्या लिखेंगे, एंड सेकेंड नंबर यानी और दूसरी संख्या बराबर कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या कितनी मान रहे हो या सेकेंड नंबर कितना मान रहे हो, यस प्लस 15, यहाँ क्या हो जाएगा, यस प्लस 15 हो गया। अब यस कितना निकाले हो, यस कितना फाइंड आउट किया तुम लोगों ने, 40 फाइंड आउट किया, प्लस 15 करिए। अब 40 में 15 को ऐड करना है, तो 5 है, 5 रुपए थे, 0 रुपए और मिल गए, कितने हुए, 5 हुए, 4 रुपए थे, 1 रुपए ऐड करिए, 5 यानी 55 हो गए, तो यानी तुम्हारे पास 0 रुपए था, 5 मिल गया, 5 ही रुपए हो गए, मतलब 55 हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। याद रखिए आंसर की आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर आपको जानना है कि हमारा आंसर सही है या गलत। देखिए पहला वाला पढ़िए, सम ऑफ टू नंबर इज 95, दो नंबर का सम कितना होना चाहिए, 95। हमारा फर्स्ट नंबर कितना है, 40 है, सेकेंड नंबर कितना है, 55 है, दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, अगर 95 आ जाए जान लीजिए करेक्ट है, और 95 नहीं आता मींस रॉन्ग है। तो इसको दोनों ऐड करिए, 0 में 5 ऐड करिए, 5 4 5 9 95, मींस आवर आंसर आर करेक्ट, ओके। तो हमारा आंसर कैसा है, सही है, हमें सोचना नहीं है। अब हम इसी पर कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं, आप लोग उस क्वेश्चन को कल करके बताएंगे, ठीक है। ये दो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, आप लोग इसे करके आइएगा, और बाकी ये क्वेश्चन हम लोग कल पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है।